पैसा, डंडा, मुकदमे, पर्चे, ये सब चलेगा। वो एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे वहां से। हमने कहा है कि एक मुट्ठी चावल नहीं मांग रहे, एक मुट्ठी चावल से आपकी भावनाएं, भावनाओं के बाद में आपकी वोट मांग रहे हैं। ऐसे कर कर आप मोदी जी को नाराज नहीं कर रहे, वो फिर मांगे कैसे? अच्छा, जिससे लड़ाई हो जा रहे और उससे खुश कर रख रहे, बाजा बजा कर उसके आगे लड़ाई में क्या प्रसादा बटता है लड़ाई में? ब्लैक डे मनाने का भी फैसला लिया कि ब्लैक डे मनाएंगे भाई, सरकार के 7 साल हो जाएंगे और किसान आंदोलन के 6 महीने हो जाएंगे, तो 26 तारीख को तो ब्लैक डे तो मनेंगे। राजा नहीं लगता है, यूपी में क्या खुला है? आप नहीं, वहाँ पे भी नहीं लगता। आप किसानी झंडा लगा के जाओ, वहाँ पे भी नहीं लगता। आपने संयुक्त मोर्चे वालों लेटर भी लिखी है प्रधानमंत्री? हाँ, लेटर लिखी। कोई गलबात की कोई आस है आप? नहीं नहीं, वे ये कह रहे थे पिछले 4 महीने से के प्रधानमंत्री एक कॉल की दूरी पे है जी। हमें फोन नंबर तो 4 महीने से नहीं मिला भाई, हम चिट्ठी लिख दो, क्योंकि पहले चिट्ठी पत्री का जमाना था, लेटर लिखते थे, उसका जवाब आ जाता था 7-8-10 दिन में। 4 महीने लेट क्यों हो गए यार? पहले क्यों ना ना, पहले भी पता होगा, दरवाजे पे बैठे, उनके दरवाजे पे बैठे कि खोलते ही हम आपको उनके बाहर बैठे दिल्ली के चारों तरफ। और हमने बता दिया कि चिट्ठी लिख दी, हम बात करना चाहते हैं। अब हमें समाज, प्रेस, देश, दुनिया ये नहीं कहने की हम बात करना नहीं चाहते, हम बात करना चाहते हैं सरकार से। जहाँ से बात खत्म हुई वहाँ से ही बात की शुरुआत होगी। सरकार की कोई मंशा लगती है आपको बात करने? अभी तो नहीं लगती, आगे लगेगा, इसमें मुझे लगे कि टाइम लगेगा इसमें। और मंत्री कह रहे हैं, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि खेती कानून रद्द करने के अलावा कोई बात करना चाहते हैं किसान? ना ना, कोई नहीं बात करना चाहते हम खेती कानून रद्द से अलग, नहीं कोई बात करना चाहते। एक आध साल तो नहीं करना चाहते, 1-2 साल में देख लेंगे, फिर अगर कुछ बात होगी तो 1-2 साल के बाद देख लेंगे। टिका जी, कोरोना महामारी है, हाँ चल रही है, सारी दुनिया भर में चल रही है ना, ऐसा नहीं लगता अभी सरकार को मौका मिल गया अभी कोरोना में शहर जहाँ से भाग जाए और हमारा काम चल जाए ऐसे ही? सरकार तो यही चाह रही, 13 तरह के एलिगेशन सरकार ने लगाए किसान जत्थेबंदी पे, ये 13वां एलिगेशन है, ये भी चल जाएगा, 4 दिन चल जाएगा खबरों में। बीमारी का इलाज हॉस्पिटल है और किसान आंदोलन का इलाज पार्लियामेंट है, दोनों के रास्ते अलग अलग जाते हैं। कोई अगर बीमार होगा तो वो हॉस्पिटल जाएगा और किसान पार्लियामेंट जाएगा, तो दोनों के रास्ते, उनके तो रास्ते भी एक नहीं है, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। कोरोना आपके आंदोलन के आगे द्वार नहीं बन गई, जो 4 महीने पहले था आंदोलन वहीं खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये तो जब देश की आज़ादी हुई तो 90 वर्ष आंदोलन चला, अभी तो 6 महीने तो इस आंदोलन को, ये उससे पहले 30 साल पहले चला है, तो अभी तो 31 साल तो है, 90 साल तो अभी हुए थी। ब्लैक डे मनाने का भी फैसला लिया? हाँ, ब्लैक डे मनाएंगे भाई, सरकार के 7 साल हो जाएंगे और किसान आंदोलन के 6 महीने हो जाएंगे, तो 26 तारीख को तो ब्लैक डे तो मनेगा। 26 तारीख को अपने घर पे काला झंडा लगाएंगे, अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे, हम तो काला कपड़ा पहनेंगे भाई, किसी को कोई ऐतराज थोड़ा है। काला कपड़ा अगर देश में बन रहा है, मिल रहा है तो पहनेंगे उसको। यूपी में सरकार तैयारी कर रही है चुनाव? हाँ, करवा देंगे तैयारी, करवा देंगे तैयारी चुनाव की, जैसे जिला पंचायत में करवाई ऐसे आगे विधानसभा में करवा। पंजाब और हरियाणा में टोल प्लाजा खुले हैं, किसानों का आंदोलन है, टोल प्लाजा नहीं लगता? हाँ नहीं लगता। यूपी में क्यों खुला है? नहीं, वहाँ पे भी नहीं लगता। आप किसानी झंडा लगा के जाओ, वहाँ पे भी नहीं लगता। नहीं, आम लोगों को भी लगता है पंजाब हरियाणा, वो अगर किसान का नाम लेगा कोई भी, झंडा लगाएगा, स्टिकर लगा होगा, तो उस पर भी नहीं लगता। यूपी में कब जा रहे हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल में कैसे चले जाएंगे? जैसे कोरोना ये हो जाएगा, सरकार की गाइडलाइंस आ जाएगी, सरकार मीटिंग शुरू करेगी, हम भी मीटिंग शुरू करेंगे। टिकैत जी, जो पंचायत इलेक्शन में बीजेपी का जो हार हुई है, तो आप ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का ही नतीजा है? और क्या नतीजा है? लेकिन एक बात देख रहे ना, उनकी 600 सीटें आई हैं, 3050 में से जिला पंचायत की 600 सीटें आई हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष उन्हीं के बनेंगे, क्योंकि अब पैसा, डंडा, मुकदमे, पर्चे, ये सब चलेगा, अब अध्यक्ष उनके बनेंगे। पश्चिमी बंगाल में जो हार हुई है भाजपा की, उसमें किसान आंदोलन का कितना का रोल है? बड़ा रोल है जी, बड़ा रोल है। संयुक्त मोर्चे के बहुत लीडर वहाँ पे गए और उन्होंने यही अपील करी कि जो धान है
इसकी जो एमएसपी है भारत सरकार के मंत्री यहाँ पा रहे उससे इसकी एमएसपी मांगो। वो एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे वहाँ से, हमने कहा कि एक मुट्ठी चावल नहीं मांग रहे, एक मुट्ठी चावल से आपकी भावनाएं, भावनाओं के बाद में आपकी वोट मांग रहे हैं, आप इससे इस चावल की एमएसपी मांगो। वो हमने उनको बताया, ये उत्तर प्रदेश में बताएंगे, जैसे ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ पर भी ये बताएंगे कि गन्ने का 18,000 करोड़ रुपये बकाया है, धान और कनक की खरीद नहीं होती। ऐसे कर आप मोदी जी को नाराज नहीं कर रहे, वो फिर मांगे अच्छा जिससे लड़ाई हो जा करे और उससे खुश कर रख रहे, बाजा बजा कर रहे उसके आगे, लड़ाई में क्या प्रसादा बटता है लड़ाई में? भाई लड़ाई में कोई वो तो है नहीं कि कड़ा प्रसादा बटता हो लड़ाई में, वो बटता देख क्या हो तो भाई वो बताओ। तो क्या साहब बहुत सारिया गल्ला हुई जिन्हें च कई धब्बे भी लगे किसानी मोर्चे के उपर, इन्हें विच एक दीप सिद्धू सी, दीप सिद्धू हुण बाहर आ गया, वो कह रहा जी मैं फिर तो किसानों की आवाज बनूंगा, और आ जाएगा बन जाएगा यहाँ क्या करता सही हुण की विचार है तुहाडा, और आ जाएगा उसे वहाँ कौन बनने कर रहा? नहीं पहले तो संयुक्त मोर्चे ने बोला था ये गदार है, वो अपनी तरफ से गया और फिर चले जाएगा और फिर आ जाएगा यहाँ क्या, कोई कहीं और बैठ कर लो आंदोलन। उनको सबको लाल किले पे बहका कर लेके गए, कोई ऐसा है कि हम बहुत बार कहते हैं कि हर बार पिछले 30 साल से कि हम पार्लियामेंट पर जाएंगे, किसी ने पार्लियामेंट पर जाने दिए? किसी आदमी ने शाम को 25 तारीख को 9 बजे 7 बजे ये घोषणा करी कि मैं सुबह ही लाल किले पे ध्वज फैलाऊंगा, और वो सुबह ही 9 बजे लाल किले की चोटी पर बैठा झंडा लगाने लग रहा है, एक धार्मिक झंडा, एक किसी ने धार्मिक झंडा लगा दिया, धार्मिक झंडा लगाने की क्या देश में धाराएं हैं वो लगा दो आप वहाँ पर। उसने कोई तिरंगा का कोई वहाँ पर अपमान नहीं हुआ, और नहीं तिरंगे तो वहाँ पर 4 लाख तिरंगे 26 तारीख में देश का किसान लेकर गया दिल्ली की सड़कों पे, उस पर तो पुष्प वर्षा होनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, लेकिन वो नहीं कहा, एक साजिश थी पूर्ण रूप से, ये उनका पर्दाफाश हो गया। लाल किला कोई ऐसा थोड़ा कि लाल किले पर झंडा लगा दिया और देश पलट गया, वो हो गया लाल किला तो उसकी इनकी प्रॉपर्टी है भी नहीं सरकार की, डालमिया की है वो, तो डालमिया ने तो मुकदमा करवाया नहीं, वो तो डालमिया का है, लाल किला भी इनका कहाँ है? अरे दीप से तू बेकसूर है, अरे सारे बेकसूर हैं, और कसूर क्या कर दिया, क्या को कसूर कर दिया? अगर कोई वहाँ पे लाल किले पे चलेगा, लाल किले पे तो 93 में टिकट साहब भी गए थे तो मुकदमे होने चाहिए भाई, जितने गए थे हम तो 93 में गए थे लाल किले पे, पंचायत हुई उसके फोटो भी है दिखा देंगे आपको। हरियाणा का मुख्यमंत्री और पंजाब के कुछ मंत्री कह रहे हैं भी जो किसान मोर्चा चल रहा है उत्थे करोना फैल रहा वो हरियाणा, ये बीजेपी के मंत्री जिनकी डेथ हो रही है, कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, पूरे देश में लोग मारे जा रहे हैं, वे तो वहाँ मोर्चे पर गए नहीं, ना उनका कहीं टेंट लगे हमने देखा। और सरकार जो हरियाणा की सरकार है वो कहेगी जो भारत सरकार कहेगी, और हरियाणा की सरकार किसान संगठन की या संयुक्त मोर्चे की एडवाइजरी बॉडी की मेंबर नहीं है, वो तो सरकार का काम करेगी अपना जो उनका कहने का है, कोई उद्गम स्थान नहीं है कि वहाँ से जहाँ आंदोलन हो रहे वहाँ से कोरोना फैल रहा है, कोरोना एक बीमारी है उसका इलाज होना चाहिए, हमको हॉस्पिटल पे काम करना चाहिए, सरकार को सैनिटाइजर पे काम करना चाहिए, उसकी मेडिसिन पे काम करना चाहिए। ये किसान आंदोलन जब तक सरकार बात नहीं करेगी, बिल वापसी नहीं होंगे, जो कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बने, जो हमारे मसले हैं जब तक उनका समाधान नहीं होगा ये किसान मोर्चा वहाँ से हटेगा नहीं। ये शाहीन बाग के आंदोलन नहीं है, इसको आप हटा दोगे वहाँ से, नहीं हटेगा ये। कैसा कहा जा रहा है कि किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन लगवाओ, और लगवा लेंगे वैक्सीनेशन में क्या दिक्कत है, कौन किसने मैंने कह रहा वैक्सीनेशन वाले हैं कहाँ से, हम उन्हें पिछले एक महीने से कह रहे वहाँ तो कहीं है नहीं, पूरा देश चिल्ला रहा वैक्सीनेशन की लाइन में लगे जब लट्ठी लगे, ऑक्सीजन की लाइन में लगे जब लाठी लगे, मुरद घाट की लाइन पर लगे जब लाठी लगे, तो सब जगह लाइन तो है, वैक्सीनेशन वालों को भेज दियो भाई, कहीं वो तो मिला आपको तो वहाँ भेज देना जरूर। पार्लियामेंट वाले कब कूद करो, पार्लियामेंट में क्या करे, पार्लियामेंट्री तो है दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली की दीवार के पास में बैठे बिल्कुल, ऐलान किया था ना, और ऐलान करा फिर चले जाएंगे, ऐलान तो यह 26 तारीख हर महीने आवे हैं, और वे ट्रैक्टर भी हिंदुस्तान के हैं, कोई पाकिस्तान से नहीं आने, वे ट्रैक्टर भी वही हैं, और 26 तारीख भी हर महीने आवे,
ये सरकार ध्यान रखना, कान खोल के सुन लो, 26 तारीख के को मेहताज नहीं है, किसी भी 26 तारीख को ऐलान हो सकता है। 26 तारीख हर महीने है। थैंक यू। चैनल पंजाबी पुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।